हमारे साथ जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, आपसे जानना चाहेंगे, यूएस फेड मीटिंग की आज अनाउंसमेंट है, बाजारों को नहीं लगता कि यहां पर इंटरेस्ट रेट दरों पर कोई बहुत बड़ा कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट यहां पर बाजारों को हिला सकती है, स्पेशली जब हम ईयर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम्स कम होने की उम्मीद है। आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटीज को? जी गुड इवनिंग मनीषा जी। जी बिल्कुल, अजय साहब ने बताया कि मार्केट को जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है फेड की तरफ से कि कोई चेंज होगा मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन जो कमेंट्स आएंगे फेड चेयरमैन की तरफ से उसके ऊपर सबका ध्यान रहेगा कि आगे के लिए क्या वो फोरकास्ट देते हैं और इकोनॉमी की जो रिकवरी जो चल रही है उसका कैसा है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है यूएस की, तो उसके ऊपर सबका ध्यान रहेगा। दूसरा, जो अभी जो आज का जो सेंटिमेंट है कमोडिटीज प्राइस के लिए बहुत ही अच्छा है, डॉलर वीक है क्योंकि यूएस की तरफ से जो रिलीफ पैकेज जो है वो शायद शुक्रवार तक वो आ सकता है, और दूसरा जो लॉकडाउन मेजर्स जो बढ़ रहे हैं यूरोप और यूएस में तो उसका भी सपोर्ट खास करके बुलियन प्राइस को ज्यादा मिल रहा है, तो वही है कि गोल्ड में और बाइंग आ सकती है, 1875 डॉलर तक प्राइसेस जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और एमसीएक्स की बात करें तो प्राइसेस में 49,900 से 50,100 तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो अगर ट्रेडिंग की बात करें तो 49,650 के लेवल से गोल्ड में बाय करना जरूरी है, और टारगेट ऊपर में 49,900 रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 49,500 का बना के गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। मेरी दूसरी टिप रहेगी कॉपर में, बेस मेटल्स जो प्राइसेस जो है वो काफी स्ट्रांग बुल रन में चल रहे हैं, बीच में एक दिन करेक्शन थोड़ा मिला लेकिन स्ट्रांग रिकवरी है चाइना की तरफ से, डिमांड की तरफ से, और उसका एक सपोर्ट है। दूसरा, डॉलर में वीकनेस है तो उसका भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और दूसरा स्टिमुलस पैकेजेस जो आ रहे हैं बाकी सेंट्रल बैंक की तरफ से तो उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा, तो बेस मेटल्स जो है मुझे लग रहा है स्ट्रांग बुल रन में कंटिन्यू रह सकता है। कॉपर में खास करके बात करें तो 603 के लेवल से कॉपर में बाइंग की जा सकती है, 608 का टारगेट रहेगा, और आज के लो के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके कॉपर में ट्रेडिंग की जा सकती है। खरीदारी की राय यहां पर नॉन एग्रो स्पेस में, चाहे वो सोना हो या कॉपर हो, आपको बाइंग पोजीशन बना के ही यहां पर काम करना है। मेरे दी है हमारे साथ हम लभू राम जी बीकानेर से फोन लाइन पर हैं। लभू राम जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम। मैंने मैडम ये जिंक सेल कर रखे हैं 4 लोट 219 पॉइंट कुछ पे जी, तो आपने बेचा है जिंक? हाँ जिंक बेचा है मैडम, दिसंबर एक्सपायरी का है। तपन क्या राय देंगे, जिंक में बेच के यहाँ पे काम किया है 220 रुपए के आसपास? जी जिंक में उनकी जो सेलिंग पोजीशन है, जो ये जो ट्रेडिंग रेंज है करंट उसके आसपास ही है, तो मुझे मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस बना के आप होल्ड रखिए, थोड़ा भी करेक्शन आता है अपनी प्राइस के अराउंड 219.50 के अराउंड तो एक बार एग्जिट हो जाए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो जिंक का पॉजिटिव है, तो बाय एंड इसकी ही रणनीति यहां पे रखे और नीचे आता है तो बाय करके ही चले। स्टॉप लॉस अगर बात करें तो 222.50 का मेंटेन करके आप अपनी पोजिशन फिलहाल होल्ड रखें, लेकिन जैसे नीचे आए एक बार एग्जिट कर देना, मैं राय दे दूंगा। हरिकेश कुमार बैंगलोर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। देवेन नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम नेचुरल गैस की 2 लॉट सेल है 198 पे जनवरी फ्यूचर, बेचा है आपने, सेल किया है? जी। ऑलराइट तपन, बेच के काम किया है नेचुरल गैस में 198 के लेवल्स पे, क्या राय है इनके लिए? जी नेचुरल गैस में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जनवरी में अगर आपकी सेल पोजीशन 198 पे है तो आप थोड़ा मुनाफे में भी चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 198.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशन होल्ड रखें, क्योंकि जो रेंज बाउंड मूवमेंट है फिलहाल तो 95-94 के लेवल आपको मिल सकते हैं, तो वहां पे मुनाफा बुक करके आप एग्जिट हो जाएं। अच्छी बिकवाली करी है, मुनाफे में आप ऑलरेडी हैं देवेन, और जैसे तपन ने कहा 195 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद अपना मुनाफा घर ले जाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। तपन बीरेन जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय देने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।